नमस्कार, ठिकाना ऑफिशियल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका धन्यवाद। आगे भी अगर आप किसी को चाहते हैं कि उन तक बॉलीवुड की सारी नई से नई खबरें पहुंचें, इधर फिल्म रिलीज़ हो और इधर हमारा रिव्यू आप तक पहुंचे, फिल्म से रिलेटेड गॉसिप्स, फिल्म स्टार से रिलेटेड ट्रिविया आप तक लेकर आएगा ठिकाना ऑफिशियल। सब्सक्राइब करने के लिए आपको करना महज इतना है कि वो जो डिस्क्रिप्शन है उसमें नीचे एक लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक कीजिए और जाकर ठिकाना ऑफिशियल को क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। क्लासिक किस्से में आज मैं बताऊंगी कैसे धर्मेंद्र के हाथों पिट गए सदाशिव अमरापुरकर। आइए विस्तार से जानते हैं क्लासिक किस्से में। बात है 4 मई 1990 को रिलीज हुई फिल्म नाकाबंदी की। दरअसल बात उसे थोड़ा सा पहले की है जब फिल्म का शूट चल रहा था। शूट पर मौजूद थे धर्मेंद्र, श्रीदेवी और सदाशिव अमरापुरकर। फिल्म के डायरेक्टर थे शिबू मित्रा। दरअसल सीन कुछ ऐसा था, वहाँ पर सदाशिव अमरापुरकर बैठे हुए हैं, एक रेस्टोरेंट टाइप कोई जगह है, क्लब जो दिखाते हैं फिल्मों में, और श्रीदेवी जो हैं वो उनसे फ्लर्ट कर रही हैं और धर्मेंद्र साहब को पीछे बैकड्रॉप में कहीं पर खामोशी से बैठे रहना है और ऑब्जर्व करना था। ये था फिल्म का सीन जो लिखा हुआ था। ठीक है, एक्शन हुआ, कैमरा ऑन हो गया, श्रीदेवी ने अपनी एक्टिंग शुरू कर दी। यहाँ पर श्रीदेवी की एक बात कहना चाहूँगी, उनके लिए कहा करते थे कि वो ऑफ द कैमरा तो एकदम खामोश रहती थी और जैसे ही एक्शन बोलता था डायरेक्टर, श्रीदेवी एकदम बदल जाती थी। श्रीदेवी वॉज एन वर्सटाइल एक्ट्रेस। बहरहाल आगे बढ़ते हैं इस किस्से में। तो श्रीदेवी का सीन शुरू हुआ, उन्हें फ्लर्ट करना था सदाशिव अमरापुरकर से। सदाशिव जाहिर सी बात है उन्होंने तो सारे विलेन के रोल ही किए हैं, लेकिन जो भी स्थिति थी फिल्म की वो चल रही थी और धर्मेंद्र साहब पीछे बैकड्रॉप में उन्हें गंभीर रूप से बैठे हुए देखना था। सीन चल रहा था, अचानक से क्या हुआ, धर्मेंद्र आए और उन्होंने सदाशिव अमरापुरकर को सीधा मुंह पर मारा। उन्हें काफ़ी हर्ट हुआ वो, और समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है अभी, मतलब अभी एक्शन टेक चल ही रहा है या टेक बंद हो गया है, उसके बाद कोई बात हो गई है, किसी को कुछ समझ में नहीं आया। आधे लोगों ने सोचा कि शायद ये शूट का ही कोई हिस्सा है कि धर्मेंद्र को उठ के आके सदाशिव अमरापुरकर को मारना है, लेकिन जो डायरेक्टर थे उन्हें अच्छी तरह पता था कि ऐसा कुछ सीन में है ही नहीं। शिबू मित्रा उसके डायरेक्टर थे, वो आए और उन्होंने धर्मेंद्र को कहा कि आप क्या कर रहे हैं। धर्मेंद्र ने तुरंत माफ़ी मांगी और कहा कि अरे अरे आई एम वेरी सॉरी, आइंदा से ये नहीं होगा, और वो जाकर वापस बैठ गए। दरअसल बाद में लोगों का कहना यह है कि धर्मेंद्र उस दिन शायद नशे में थे, वरना धर्मेंद्र जैसा डिसेंट आदमी कभी ऐसी हरकत नहीं करता। तो उन्होंने नशे में, उन्हें कुछ समझ में नहीं आया और उन्होंने उठकर सदाशिव अमरापुरकर को मार दिया। अब सदाशिव अमरापुरकर ने इसे कैसे लिया, क्योंकि वो कुछ कहने की स्थिति में तो थे ही नहीं, सिचुएशन थोड़ी ऑड सी हो गई थी। बहरहाल उस दिन के लिए हो गया पैकअप और धर्मेंद्र को थोड़ा शांत किया गया, सदाशिव अमरापुरकर को शांत किया गया कि दे शुड नॉट टेक इट अदरवाइज, क्योंकि उन्हें बाकी आगे की फिल्म में भी काम करना था। तो इस तरह कैसे नशे की हालत में इंसान क्या कर गुजरता है उसे खुद नहीं पता होता। धर्मेंद्र शायद खुद भी नहीं समझ पाए कि उनके हाथों क्या हो गया, और जाहिर सी बात है बाद में पछताना तो था ही, उन्हें बहुत सॉरी फील हुआ। उन्होंने सदाशिव अमरापुरकर से माफ़ी मांगी और फिर जाकर इस फिल्म की, नाकेबंदी फिल्म की शूटिंग आगे की ओर चली। आज के क्लासिक किस्से में बस इतनी ही दास्तान। अगली दास्तान और किस्से लेकर फिर हाजिर होंगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।